नमस्कार, आसान पल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और आप ये देख रहे हैं, मेरे पास एक पुरानी सी ये बॉटल थी, तो मैंने इसमें अडेनियम का ये पौधा लगाया था। तो अडेनियम का पौधा लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी सारी घास घास भी निकल आई है, तो इसको मुझे अलग करना है। तो ये दीवार पर रखा हुआ था ये पौधा, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको निकालते हैं। और इसमें देखिए ये दूसरा पौधा भी एक निकल आया है और नीचे से ये इसकी एक ब्रांच निकली हुई थी, तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा फूल है। और इस फूल की ये विशेषता होती है कि ये एक बार खिल जाता है तो लगभग 15 दिन तक तो वो पौधे पर टिका ही रहता है, यानी 15 दिन तक मुरझाने का काम नहीं होता। और यहाँ पर देखिए ऊपर तरफ मैं बता रही हूँ, ये कितना सारा गुच्छा दिख रहा है फूलों का, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये कलियाँ भी हैं, तो ये कलियाँ भी देखिए ये इस तरीके से ये कलियाँ भी हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी एक ये ब्रांच थी इसकी, तो यहाँ पर भी देखिए ये एक फूल तो है अभी और इसमें कलियां भी काफी सारी बन रही हैं। तो ये प्लांट होता है अडेनियम का, तो इस प्लांट की यह विशेषता होती है कि आप इसे गर्मियों में लगा सकते हैं, इसमें पूरे मतलब ये प्लांट में है, पूरे पौधे पर इसमें फूल भर भर के खिलते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गर्मियों में आप लगा देंगे तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा देख रेख नहीं करना पड़ेगा आपको। और आप कहीं बाहर जाते हैं तो 4-6 दिन तक यदि आप इसमें पानी नहीं डालते हैं तो इस पौधे का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ना ही इसमें ज़्यादा इसमें मतलब कुछ खाद वगैरह डालना है, ना ज़्यादा रोज़ रोज़ इसमें पानी डालना है। और सबसे मतलब ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप जब भी ये पौधा लगाएं तो जो थोड़ी रेतीली मिट्टी होती है उस मिट्टी में लगाएं, इसे चिकनी मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि ये पानी को मतलब ज़्यादा रोज़ रोज़ नहीं डाला जाता है और पानी इसमें रोज़ रोज़ डालना भी नहीं चाहिए। ये रेतीली मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी का ठहराव होता है और रेतीली मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले तो अभी थोड़ी देर में इसको मिट्टी को मैं ढीला करूँगी और जो अनावश्यक पौधे उनको निकाल दूंगी। ये छोटी सी ब्रांच यहीं से निकल आई है तो मुझे ये सब संभाल के करना पड़ेगा। ये पौधा एक दूसरा हो गया है तो उसको अलग कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से ये फूल होते हैं और काफी दिनों तक लगे रहते हैं, तो आप भी अडेनियम का पौधा लगाइए। और जब ये फूल की ये फूल होते हैं तो इसके बाद इसको आप इसको यानी टहनी लगाकर यानी कि इसको कटिंग से भी उगा सकती हैं, या फिर आप इसमें बीज होते हैं तो बीजों को आप सुरक्षित रख लें तो उस तरीके से आप बीजों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसके बीज किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बीज कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने पिछले साल के ये मैंने बीज रख लिए थे सुरक्षित, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके का ये कपास जैसी रुई होती है। तो जैसे हम लोग आंकड़े का पौधा होता है तो आंकड़े के पौधे में फलियां होती है और उसमें बीज होते हैं काले रंग के, तो उसी तरह से ये अडेनियम का पौधा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये रुई है और ये इस तरीके से इसके बीज होते हैं, तो फलियों में से ये फलियों को समय पर आप निकाल लें, नहीं तो ये फट जाती है, फलियां चटक जाती है और इसके जो बीज होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, इन जो इसकी कपास जैसा दिख रहा है तो ये रुए के सहारे। तो यहाँ पर देखिए कुछ बीजों को मैंने इस तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है, तो देखिए इस तरीके से ये इसके बीज होते हैं। ये बीज देखिए ये मैंने बता ही दिए थे आपके लिए और मैंने वैसे के वैसे रख दिए हैं। ये काफी सारे मतलब रंगों में होता है तो आपको जो भी पसंद हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का है तो इसी कलर के ये बीज हैं, तो कई रंगों में होता है तो आपको जो भी रंग पसंद हो तो रख लें। कुल मिलाकर ये है कि पौधा बहुत सुंदर होता है, इसके फूल हैं काफी दिनों तक पौधे में टिके रहते हैं और इसकी जो केयर करना है बहुत ही सरल होता है, ज्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं होती है और ना ही इसमें रोज रोज पानी डालने का झमेला होता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि आप रोज रोज पौधों में पानी डालें, तो इसमें पानी डालने वाली कोई समस्या नहीं होती, तो गर्मी के हिसाब से ये पौधा बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में ये बहुत ही ज्यादा ये इसमें फ्लावरिंग होती है। यह पौधा आप जरूर लगाएं, यह जानकारी कैसी लगी और ये पौधा को मैंने आपको बीज भी बताया कि बीज कैसे होते हैं और ये पौधा कैसा होता है तो ये भी बताया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इस फूल की तरह आप हंसते हुए मुस्कुराते और खुश रहिए। बाय बाय।